पे काम नहीं होता। और द्विवेदी भाई है, उनकी फ्रेंड है ये। ठीक है हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के दिखाता हूँ आप लोगों को, 6:28 हो रहे हैं ये। तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ। एक्चुअल में कहीं बाहर जाने का प्लानिंग है, कहाँ जा रहा हूँ वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा। देन अभी भी ना सोने का मन कर रहा बहुत, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय होता है वो ठंडा रहता है, तो नींद कंप्लीट हुआ नहीं है। क्योंकि रात को कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था, एडिट करते करते लगभग 2:30 से 3 बज गए थे मुझे। मुश्किल से मैं 2 से 3 घंटे बस सो पाया हूँ मैं, और अभी 6:30 को उठ चुका हूँ मैं। क्योंकि अभी हमारे दोस्त हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि 7 बजे यहाँ से निकल जाना है। एक्चुअल में अपन जा रहे हैं गरियाबंद, गरियाबंद में भूतेश्वर नाथ, तो वहाँ का ब्लॉग शूट करना है अपने मेन चैनल के लिए। अभी मैं एक वीडियो रात को लगा के रखा हुआ था तुतुरिया धाम का, बट वो क्या है अभी तक ना अपलोड हुआ नहीं है। तो इसी को मैं देख रहा हूँ बार बार कि क्यों अपलोड नहीं हुआ अभी तक। ऐसे तो ज़्यादा बड़ी फाइल थी नहीं, उसके बावजूद भी ये अपलोड नहीं हो पाया। 7 GB की फाइल है और टाइमिंग हो रखा है 6:30। बस गाइस 7 बजे यहाँ से निकलना है, तो अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। चाय तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी अभी सो रही है, सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं। तो फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और बस चाय रखा हुआ हूँ, चाय बनने की बस वेट है। चाय बन जाता है उसके बाद फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर अपन निकलेंगे। वैसे मैं अभी दोस्त को फोन कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा है। इससे पहले वो कॉल किया हुआ था तो मैं फ्रेश होने चले गया था। तो गाइस अपना चाय भी हो गया कंप्लीट, अभी सब सो रहे हैं करके मैं अपने लिए चाय बनाया हूँ। तो मैं घर से निकल चुका हूँ और ये है मेरा सेटअप, ये देखिए GoPro, और ये है द्विवेदी भाई। आप सब जानते होंगे, पुराने चैनल है, उस पर हमने काफी कुछ व्लॉग बनाया साथ में। अभी और मेरा भी नया चैनल चालू होने वाला है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। चैनल का नाम सोचो, कमेंट करके राहुल भाई के चैनल बताना क्या नाम रखना चाहिए। तो अभी निकलते हैं, अभी कहाँ निकलना है? अपन अभी जाएंगे रायपुर, रायपुर से फिर जाएंगे आगे की ओर। तो अभी रायपुर निकल रहे हैं और प्लानिंग यही करेंगे कहाँ कहाँ जाना है आज। ठीक है, चले गाइस। तो यहाँ पे इडली खा रहा हूँ, ये रायपुर है, रायपुर सिटी में। तो अभी आपका नाम पहला दिखाओगे, ऐसे काम नहीं होता। और द्विवेदी भाई है, उनकी फ्रेंड है ये। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं गरियाबंद घूमने के लिए, देखते हैं गरियाबंद में क्या क्या अपन आज देख पाएंगे। बस आपका नाम क्या है? गीतू। अच्छा अच्छा, आपका ब्लॉग चैनल का नाम क्या है? गीतू ब्लॉग। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो पता ही नहीं है ना, ध्यान नहीं है ना, बहुत लोग मिलते रहते हैं इसलिए। यहाँ पे हम खा रहे हैं इडली, और पता नहीं भाई क्या खाएगा। मैं तो भाई कुछ नहीं खाने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी घर से नाश्ता एक डाइट अपनी लेके आ गया हूँ, जो कि मेरे को भूख लगी हुई ना, कुछ नहीं खाया, बस चाय पी के निकला हुआ हूँ। इडली राहुल भाई, ये सांभर बड़ा आपके लिए है, पकड़ो भाई। इडली मेरे लिए, देखो गर्मा गर्म इडली निकाल रहे दादा। दादा इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, एरिया को क्या बोलते हैं वाला? पुलिस लाइन। ये रायपुर पुलिस लाइन में है। दादा मस्त बढ़िया सा निकाल रहे हैं गर्मा गर्म सांभर बड़ा और क्या बोलते हैं इडली, ये दो चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। चटनी अच्छे से देना दादा, चटनी हमारा फेवरेट है। वाह क्या बात है, गरम है बाबा। तो ये है दो प्रकार, तीन प्रकार की चटनी। भाई साहब खा रहे हैं यहाँ पे इडली एंड डोसा। इडली का यहाँ पे जो चटनी है ना, वो लाजवाब चटनी है। मेरा भी मन हो रहा है भाई खाने का, ऐसा राहुल भाई बोल रहे तो लाजवाब बोल गए। टमाटर की चटनी मालूम है ना, वैसे ही है क्या? नहीं काटा नहीं हूँ। तो गाइस ट्राई कर सकते हो पुलिस लाइन, जहाँ से मैं खा रहा हूँ। अच्छा
तो यहाँ से गरियाबंद लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ हूँ और द्विवेदी भाई लोग भी पीछे रह गए हैं, तो वेट करना है क्योंकि हम लोग पता नहीं कहाँ रुक गए हैं, तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ। ये पूरा मास्क सब लगा के चलता हूँ भाई साहब मैं, और ये आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा जंगल झाड़ी एरिया है भाई यहाँ का। और ये हमारी बाइक, ये देखिए गाइस क्या मक्खन हाईवे भाई, ये मेरे मेन चैनल पे देखिएगा, रोड एकदम ज़बरदस्त है यहाँ का। और राइट साइड में देखिए पूरे घने घने पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी एरिया है, और रोड पे तड़पा है वो देखो, उन लोग आ रहे हैं बढ़िया सा, इन्हीं लोगों के लिए हम वेट कर रहे थे हम। ये देखो द्विवेदी खान, द्विवेदी भाई। गाइस तो अभी मैं हूँ गरियाबंद में, गरियाबंद में पहुँच चुका हूँ। ये है गरियाबंद का बस स्टैंड, यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं समोसा भैया जो भी मिल जाए भाई, भूख लगी हुई है और प्यास भी लगी हुई है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, गर्मी लग रही बहुत तेज़, तो पानी भी पीना है। और हल्का फुल्का यहाँ का बस स्टैंड दिखलाता हूँ आप लोगों को भाई। तो यहाँ पर एंडी जी हमसे पूछ रहे कि काहे के लिए वीडियो बना रहे हो करके, तो सोशल मीडिया में डालना करके बताया, तो अच्छा अच्छा हमारा भी दुकान का वीडियो डाल दो करके, तो सबका दुकान का वीडियो ले लेता हूँ। देखो ये बस स्टैंड गरियाबंद, तो ये बस खड़ी है और हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है। देन ये है समोसा भजिया और गर्मा गर्म निकल रहा है यहाँ पे भाई, देख के तो काफ़ी लालच आ रहे हैं। ये बड़ा कितने का है बड़ा? 15 रुपये प्लेट। चटनी मिली? ठीक है भी। ओ फोटो ले तो मतलब फेमस करा था मैं। कौन सा चटनी है ये? टमाटर वाले दे। आपका क्या नाम है? ललिता है। ललिता, ये आ गया भाई, वाह देखने में मस्त मस्त दिख रहा है। दादी जी खुश हो गए हैं, आंटी जी। तो ये बता पूरा साल का ये बड़ा है, यहाँ पे अपन खा रहे गरियाबंद में, और टमाटर की चटनी भी है। सांभर की चटनी भी लग रही है, कौन सी चटनी है? ये टमाटर की है। अच्छा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो आंटी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही है। और यहाँ पे मेला लगने वाला है, 4 तारीख से लगने वाला है, 1 हफ्ते का मेला लगने वाला है। तो अपन फिर से आएंगे यहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए, मेला मरे। गाइस तो हम पहुँच चुके हैं भूतेश्वर नाथ पे, और ये है गीता जी जो यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए आए हुए हैं, फ्रेंड है, द्विवेदी भाई का फ्रेंड है। और यहाँ का जो माहौल है ये देखिए, यहाँ पे किस तरह से चारों तरफ दुकान ही दुकान, अभी सज रहे हैं, अभी सजे नहीं है, कल रहेगा माहौल। कल है 1 मार्च और कल है महाशिवरात्रि। आज एक दिन पहले आप लोगों को मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि सडल प्लानिंग बना की भूतेश्वर नाथ जाना करके, और गरियाबंद सिटी का भी ब्लॉग बनाने थे, क्योंकि आप लोग काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे मेन चैनल पे। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं, और मैं भी खुद दर्शन करूंगा। ये मेरा दूसरी बार है जो यहाँ पे मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे जैसे कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ भी चल रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे कितना सुंदर सा गेट बना हुआ है, यहाँ पे 2 सिंह हैं और शंकर भगवान जी हैं, पार्वती माता जी हैं, गणपति महाराज जी हैं। चलिए अंदर चलते हैं, बाकी यहाँ पे खाना पीना भी आप कर पाएंगे, दुकाने हैं। इस कितना बड़ा सा ये शिवलिंग है, देखिए प्राकृतिक शिवलिंग है ये। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, तो एक एक करके मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ। देन यहाँ पे दाई जी हैं जो ये बेच रही है, ये देखिए नाग बनाया हुआ है ये, बाकी नज़ारा देखिए यहाँ का। गाइस तो ये देखिए नाग, गरुड़ नाग है, और इसको रखने से घर में सांप वगैरह नहीं आते हैं, उसी को देख के ये डर के मारे उसमें छुप जा रहे हैं, ऐसे करके दादी जी बता रहे हैं। मेरे को दादी जी हैं यहाँ पे इस तरह से बैठी हुई है। यहाँ पे इतना बड़ा सा शिवलिंग है, ये देखिए ये प्राकृतिक शिवलिंग है, एक छोटा सा पत्थर था जो इतना बड़ा रूप ले लिया है, इसीलिए इसे बोलते हैं भूतेश्वर नाथ। तो काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भिलाई से आए हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मंदिर है, तो चलिए आप लोगों को हल्का फुल्का दिखला देता हूँ। वैसे तो मेन चैनल पे ब्लॉग बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से कल्कि भगवान जी हैं, और भगवान श्री विष्णु जी के 10वें अवतार हैं ये, देख लीजिए 10वें अवतार। भाई साहब कितने अवतार थे बताइएगा कमेंट करके।
और ये रहा हुतेश्वरनाथ, हर हर महादेव। देखो कितने भक्तगण आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही पूजा पाठ चल रहा था। देन यहाँ भी देखिए, और इतने सारे यहाँ पे मंदिर हैं, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। इसका मैं डिटेलिंग वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो देख लीजिएगा। और ये देखिए शिवलिंग है यहाँ पे, दादाजी सब पूजा पाठ कर रहे हैं, और यहाँ पे अधिकतर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। ये देखो हर हर महादेव। यहाँ पे भक्तगण अपने अपने श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देन इसके पीछे साइड में भीष्मांग बने हुए हैं और शंकर भगवान जी हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ। बाकी धूप बहुत तेज है भाई साहब, और पैर भी बहुत जल रहे क्योंकि हम खाली पैर में हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं, दिखा देखिए यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जहाँ पे जब कल भीड़ हो जाएगा ना तो ये सब जगह में लोग अपने अपने श्रद्धा से पूजा अर्चना कर पाएंगे। देन इसके पीछे एरिया में चलते हैं, इधर का एरिया देखते हैं। पवित्र स्थल है ये, और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इतने सारे भक्तगण हैं। ये देखिए शेषनाग है यहाँ पे, और सामने में है शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश भगवान जी हैं, और गरुड़ है। बहुत प्यारा लग रहा है। देन यहाँ पर है, ये देखिए शेषनाग है, और यहाँ पर है शिवलिंग, हर हर महादेव। गाइस तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए